गाना बना आप कविता ले लीजिए किसी और से गवा लीजिए मेरा अगर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होना हो मेरा इतना ही है कि मैंने स्वानंद क्रिके की बात नहीं सुनी ना बोलते रहे पर मैंने उनको डब किया अक्सर उससे कहता हूँ आज फिर तुमसे कह रहा हूँ कि वो फिल्म जो है तुम्हारे पास ख्याल है जो तुम बनाना चाहते थे नवाज के साथ वो जल्दी बना लो नहीं मैं आइडिया <laughs> चोरी <के थे। laughs> स्वानंद जी अरे यार ये तो बिल्कुल स्पेशल हो गया ऐसा लगा मुझे ही अवार्ड मिल रहा है इट्स अ थैंक यू सो मच फॉर दिस इट्स beautiful. ब्यूटिफुलट्स जस्ट सरप्राइज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ऑफ दिस कैसा लगा आपको बहुत बहुत ओवरवेलम डॉ एंड बोथ दीज टू पीपल वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट इनके साथ मैंने अपनी जिंदगी शुरू की और आ, इनकी सारी बातें के मुझे सच में ऐसा लगा कि अवार्ड देने से ज्यादा मुझे अवार्ड मिल गया क्या बात सर, क्या बात है लेकिन सर हमने उनकी बातें तो सुनी आप भी हमें कुछ बातें बताएं कुछ अपनी जर्नी के बारे में कुछ इनके साथ कुछ अलग नहीं ये सच्चाई है जो शांतनु ने बोला सुधीर ने बोला उसमें बहुत सारी सच्चाई ये है कि सच्चाई ये है कि मैं कभी लिरिसिस्ट बनने के लिए सिंग और सिंगर बनने के लिए दोनों ही बनने आया ही नहीं था यहाँ पर कतई नहीं लगा था कभी जिंदगी में उसके पहले कि मेरी आवाज़ रिकॉर्डिंग करके अच्छी सुनाई देगी मुझे लगता था क्योंकि मैंने बचपन से यही सुना है कि मैं बहुत मेरी मोटी आवाज़ है और आ, मेरे फादर मेरे से कहते थे चिल्लाओ मत गाओ तो सो ऑल दैट बट या इट्स ये हुआ और उसके बाद में फिर धीरे धीरे हिम्मत खुली शांतनु का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने वो एक्ट किया और मेरे को बाहर ही गवा लिया बहुत सारे दिनों तक मुझे भरोसा नहीं होता था जब लोगों ने कहना शुरू किया यकीन हुआ लेकिन अभी भी, मैं आज भी कहता हूँ गाना गाना है तो मैं थोड़ा डर जाता सर, वो, आ, नवाज के साथ जो सुधीर जी ने कहा फिल्म का आइडिया है अगर आप नहीं बनाए तो वो चोरी कर लेंगे तो आपके हिसाब से क्या है यह कॉन्सेप्ट है अच्छा तो मैं और नवाज में साथ नवाज साथ में पढ़े जी तो नवाज के साथ मेरा बहुत सालों से बात चल रही थी मतलब जब वो नवाज को काम नहीं भी मिला था तब भी हम बात करते थे कि वो फिल्म बनाएंगे वो फिल्म बनाएंगे वो फिल्म बनाएंगे जी तो एक छोटी सी कहानी है पर वो वो मुझे बनानी है नवाज के साथ ही बनेगी वो और वो बनेगी मेक दैट कुछ शब्द होते हैं जो आ जाते हैं दिमाग में तो आपके साथ ऐसा हुआ है कुछ आपने ट्यून सुनी कंपोजर ने कुछ ट्यून आपके पास आई और ट्यून आते ही आपने कहा इसके शब्द तो मेरे पास हैं या दिमाग में शब्द आ गए मेरा गाना है आला बर्फी तो मेरे को अनुराग तो अनुराग बसु तो थे भी नहीं उन्होंने मेरे को फोन पे बताया कि प्रीतम के के गाना सुन प्रीतम गाना ले तो मैंने गाना लिया प्रीतम से परसोहा पहुंचा वर्सौा पे मैं का, कान में गाना लगा के सुन रहा था सुन के सुन के, सुन के मैंने एस एम एस पे गाना पूरा टाइप किया और अनुराग को भेज दिया अनुराग ने कहा ओके प्रीतम क्या जाके रिकॉर्ड करते मतलब इट्स जस्ट दैट आई केम फ्रॉम दिस थिंग टू हैीतम टूट बैक टू प्रीतम उसी घंटे के सब कुछ क्या बात है जस्ट वो एक कनेक्शन कनेक्शन वाली बात है, बारे है। बारे वो बना हुआ है तो आ रहा है आपका ही आपके, आपके माइंड से कनेक्शन है या जो भी कह लो उसको जी। सर एक पोएम तो बनती है जो आपके दिल के करीब हो कुछ आपने लिखा हो जो आप हमें सुनाना चाहेंगे मैं आपको क्या सुनाऊं मैं मैं आ, एक छोटा सा आ, चार लाइन का गाना है आपको जी बहुत पहले से कहीं पे पब्लिश नहीं हुआ है अभी तक उसकी चार लाइनें सुनाता हूँ को पब्लिश में करूँगा थोड़ी देर में तो गाना कुछ ऐसा है कि शोरगुल शोरगुल नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा मेरी जान मैं हूँगी तू होगा और होगा खामोश आसमान शोरगुल नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा मेरी जान मैं हूंगी तू होगा और होगा खामोश आसमान मन ही मन में बुद बुदाती एक नदी सी बहा करेगी अनजानी धुन गुनगुनाती आती जाती हवा रहेगी तेरी धड़कन क्या कहती है सुनूंगी तेरे सीने पे रख के कान मैं हूंगी तू होगा और होगा खामोश आसमान शोरगुल क्या बात है क्या बात है मैं दिल को छू लेने वाली कविता है सर बिल्कुल तो मगन ही मगन ही हो गया मैं भी ऊपर ही you. देख रहा था मतलब एक विजुअलाइजेशन दिमाग में आप ही साथ ही ऑलराइट थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड गिविंग अस म्यूजिकल जेम्स थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू